उरी, अभी हमने उरी मूवी देखी, आपने कैसी लगी आपको? आपको एक्सपेक्टेशंस थी मूवी से कि? एक्सपेक्टेशंस तो मुझे इतना मतलब पता नहीं था क्या एक्जेक्टली लग रहा था कि हाँ एक देशभक्ति के ऊपर फिल्म है, सर्जिकल स्ट्राइक पे, बस उतना ही पता था। इससे ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा नहीं पता था, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना भी था लेकिन ऐसी होगी ना और ऐसा होगा वो नहीं सोचा था। तो अंदर जाने के बाद ऐसा लगा अरे बाप रे ये सब हुआ था, जो एक्टर्स थे उसको पिक्चराइज किया है तो एकदम रियल लगा। आपको नहीं लगता है कि जब भी हम कोई वॉर मूवी बनाते हैं तो डायरेक्शन बहुत टफ पार्ट होता है? डायरेक्शन बहुत अच्छा है फिल्म का, कहीं भी जबरदस्ती कुछ नहीं ठूसा है। रात का सीन है तो रात लग रही है, दिन का सीन है तो दिन लग रहा है, ब्लास्ट हो रहा है तो लग रहा है ब्लास्ट है। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना जोरदार है कि एक एक स्टेप पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, एक छोटा सा वो हेलीकॉप्टर दिखाया है उसको भी यूज किया ना उस टाइम पे भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत ही अच्छा है। ये मूवी आपको लगता है ऑडियंस फील कर पाएगी? नहीं जरूर फील करेगी, क्योंकि क्या ना अपने इंडियंस में भी देशभक्ति की भावना बहुत है। वो क्रिकेट में आप जाओ पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो बराबर से देशभक्ति की भावना दिखाई देती है, तो इस फिल्म में तो पूरी देशभक्ति की भावना, तो मतलब पब्लिक जरूर लाइक करेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। और परफॉर्मेंसेस यामी गौतम, विक्की कौशल, परेश रावल? परेश रावल एज इट इज अच्छे एक्टर हैं, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है। विक्की कौशल दिन पे दिन तरक्की कर रहे हैं, छोटे से स्टार्ट हुए थे और अभी तो मेन लीड है इसमें, पूरी पिक्चर उन्होंने उठाई है, वो भी ऐसी फिल्म, बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस फिल्म को मतलब पेश किया है, कहीं नकली बना नहीं है, कहीं जबरदस्ती की एक्टिंग नहीं है, एकदम नेचुरल। मतलब मैं बोलूँगी कि विक्की कौशल मिलिट्री ऑफिसर के नाम से मैं उनको जानती हूँ, नॉट विक्की कौशल। Deserve a good one. आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे? हाँ, 5 में से 4। ओके, थैंक यू।